कश्मीर के मुद्दे पर इस समय पड़ोसी मुल्क भारत के खिलाफ हर संभव नापाक चाल चलने में लगा हुआ है। पहले उसने अपने अघोषित आका चीन के सामने गुहार लगाई। पड़ोसी मुल्क के कहने पर ही चीन ने ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाया। चीन के आग्रह पर ही यूएनएससी की एक बंद कमरे में हो रही बैठक में शुक्रवार को इस मुद्दे पर चर्चा हुई। उधर बैठक से पहले पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन किया है। दोनों नेताओं के बीच करीब 12 मिनट तक बातचीत हुई और इस बैठक से पहले इमरान खान का डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन करना बहुत ही अहम माना जा रहा है। बता दें कि कश्मीर मुद्दे पर पड़ोसी मुल्क को चीन के अलावा किसी भी बड़े मुल्क का साथ नहीं मिला है। ऐसे में यूएनएससी में इस मुद्दे पर पड़ोसी मुल्क को किसी का भी साथ मिलने की संभावना नहीं है। पड़ोसी मुल्क अमेरिका की शरण में है। वो लगातार कह रहा है कि अमेरिका कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करे, लेकिन भारत सरकार ने दो टूक में कह दिया है कि ये भारत का अंदरूनी मसला है। उस समय डोनाल्ड ट्रंप की फजीहत उस समय हुई थी जब उन्होंने कह दिया था कि भारत ने उनसे मध्यस्थता करने के लिए कहा है, जबकि बाद में ये बात झूठी निकली। अब पड़ोसी मुल्क और इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप को कश्मीर में मध्यस्थता का लालच दे रहे हैं। इस बीच भारत ने कश्मीर का भौगोलिक परिस्थितियों को बदलकर पूरी बहस पर ही विराम लगा दिया है। पड़ोसी मुल्क इसी बात से खिसियाया हुआ है और वो तरह तरह की नापाक हरकतें कर रहा है। द डेली न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।